Hello everyone. So I hope you all are doing good and revising with the sections I've already explained. So today we will begin with a new topic, that is tender of pardon. It is given under chapter number 24 of the Code of Criminal Procedure 1973, which says that general provisions as to inquiries and trials. कि inquiries और trials में generally जो भी provisions use लिए जाते हैं वो इस chapter में दिए गए हैं, और जो tender of pardon है वो इस chapter के section number 306, 307 और 308 में. तो हम ये जो तीनों sections हैं इनको साथ में पढ़ेंगे, जिससे ये समझ में भी जल्दी आएंगे और याद भी हमको रहेंगे. ठीक है, तो जो सेक्शन नंबर 306 है वो बताता है कि जो मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड होते हैं टेंडर ऑफ पार्डन देने के लिए, तो क्या प्रोसीजर्स यूज लेते हैं, वो 306 में है. 307 बताता है कि जब जो भी केस है वो ट्रमिट हो जाता है कोर्ट ऑफ सेशन को, तो वो जब टेंडर ऑफ पार्डन दे सकते हैं वो उस बारे में बताता है. 308 बताता है कि जो भी हमने टेंडर ऑफ पार्डन के लिए जो भी कंडीशंस लगाई थी, अगर वो कंडीशंस की कंप्लायंस नहीं होती है तो क्या प्रोसीजर यूज होता है, वो 308 बता रहे हैं. तो बेसिकली हम ये जो तीनों सेक्शन इनको साथ में पढ़ेंगे, जिससे ये समझ में भी आएंगे और याद भी रहेंगे. तो 306 को शुरू करने के पहले हम समझते हैं कि इस सेक्शन में है क्या, इस सेक्शन का ऑब्जेक्ट क्या था कि उनको टेंडर ऑफ पार्डन लेके आना पड़ा. तो जो सेक्शन 306 है वो कहता है टेंडर ऑफ पार्डन टू अकम्प्लाइज. तो यहाँ पे जो वर्ड यूज लिया गया है वो अकम्प्लाइज, यहाँ पे अक्यूज्ड वर्ड यूज नहीं लिया गया है. अभी तक ये हमने जो भी सेक्शन कवर किए थे उनमें एक ही वर्ड था अक्यूज्ड, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे अकम्प्लाइज. इसका मतलब ये है कि ये जो ऑफेंस है इसको एक या एक से ज्यादा लोगों ने ऑफेंस किया है, तभी यहाँ पे जो वर्ड है वो अकम्प्लाइज है. जब एक या एक से ज्यादा लोग ऑफेंस करते हैं तो वो सारे एक दूसरे के क्या होते हैं, अकम्प्लाइज होते हैं, उनको अकम्प्लाइज वर्ड दिया गया है. तो टेंडर ऑफ पार्डन हम बेसिकली कौन से सेक्शन में देते हैं, कौन से केसेस में देते हैं, सॉरी, उसमें देते हैं जहां पे एक या एक से ज्यादा लोगों ने कोई भी ऐसा ऑफेंस किया है, कोई भी ग्रेव ऑफेंस किया है जिसकी हम तरीका कर नहीं पा रहे हैं, जिसकी एविडेंसेस हमको मिल नहीं पा रहे हो, ठीक है. और तो जब भी लाइक एक या एक से ज्यादा लोगों ने ऑफेंस किया है तो हम उनको एक ऑप्शन देते हैं कि भाई आप हमको पूरी डिटेल बता दो, पूरे जो भी एविडेंसेस है वो बता दो, ये सब बता दो कि इसमें और कौन कौन इन्वॉल्व्ड है, आपने ऑफेंस कैसे किया था, क्या प्लानिंग थी, क्या प्लॉटिंग थी, आपका रीजन क्या था ये ऑफेंस करने का, आप हमको पूरी डिटेल बता दो. इससे क्या होगा, हम आपको माफ कर देंगे, आपने चाहे कितना ही सीरियस ऑफेंस क्यों नहीं किया गया हो उसके लिए हम आपको समाधान दे देंगे, आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी उसके लिए. ये सबको नहीं दिया जाता, उनमें से सिर्फ किसी भी 8% को दिया जाएगा, और ये इसीलिए दिया जाता है, इसका ऑब्जेक्ट ये होता है जिससे कि हमको एविडेंसेस मिल जाए कि ऑफेंस आखिर हुआ कैसे था, ठीक है. और कोई भी ऑफेंस ग्रेव है या नहीं है वो हम कैसे पता लगाएंगे कि उस ऑफेंस के पनिशमेंट क्या है. अगर उस ऑफेंस के पनिशमेंट बहुत ज्यादा है तो वो ऑफेंस ग्रेव है, या फिर उस ऑफेंस की अगर पनिशमेंट कम है तो वो लेस सीरियस ऑफेंस है, लेस ग्रेव ऑफेंस है, ठीक है. तो ये चीज देख के हम उसको टेंडर ऑफ पार्डन देते हैं. तो इसको हम पढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं. इसका फर्स्ट पॉइंट कहता है विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एविडेंस ऑफ एनी पर्सन सपोज टू हैव बीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न्ड इन अ प्राइवी टू एन ऑफेंस टू विच दिस सेक्शन अप्लाइज. तो ये कौन से केसेस में दिया जाता है, जब हमको एविडेंसेस चाहिए होते हैं किसी पर्सन से और वो जो पर्सन है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली उस ऑफेंस में इन्वॉल्व है जहां पे ये सेक्शन लगा रहे हैं, जिसको भी हम टेंडर ऑफ पार्डन दे रहे हैं, ठीक है. और कौन कौन से मजिस्ट्रेट इसमें एम्पावर्ड है, इसमें जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है और जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वो किसी भी स्टेज पे टेंडर ऑफ पार्डन दे सकते हैं, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज हो, चाहे इंक्वायरी हो, चाहे ट्रायल हो. सपोज इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे उन्होंने किसी पर्सन को बोला कि भाई हम आपको टेंडर ऑफ पार्डन दे रहे हैं, आप हमको सब चीजें सच सच बता दो, हम आपको माफ कर देंगे. वो बोलता है चलो ठीक है मैं आपको बता दूंगा, तो उनको डायरेक्टली हम कहाँ लेके जाएंगे, या तो सीजीएम के पास लेके जाएंगे या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएंगे, फिर वो पूरा रिकॉर्ड करते हैं रीजन एंड ऑल. और जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो कब एम्पावर्ड होते हैं, वो सिर्फ इंक्वायरी और ट्रायल के टाइम पे एम्पावर्ड होते हैं, इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे उनको पावर नहीं दी गई है. तो ये मजिस्ट्रेट एम्पावर होते हैं. फिर आता है कि कौन सी कंडीशन पे उनको दिया जाता है, उनको एक ही कंडीशन पे दिया जाएगा कि भाई आप हमको यू हैव टू मेक अ फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर ऑफ द होल ऑफ द सर्कमस्टेंसेज विद इन योर नॉलेज रिलेटिव टू द ऑफेंस और एवरी अदर पर्सन कंसर्न विद द ऑफेंस. कि आप हमको
एक पूरी डिटेल बताओगे, यू हैव टू मेक अ फुल डिस्क्लोजर ऑफ द होल ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, और जो भी आप चीजें बता रहे हो वो सच होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप हमको झूठ कुछ बता रहे हो, एक तो पूरी डिटेल बताओगे और सच बताओगे, चाहे वो ऑफेंस से रिलेटेड हो या फिर वो किसी भी पर्सन से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रिंसिपल ऑफेंडर हो या फिर वो अबेटर हो, ठीक है। आपको हर एक व्यक्ति के बारे में हमको बताना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, कैसे कैसे ऑफेंस हुआ है, और वो हर चीजें क्या होनी चाहिए, सच होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा कौन एम्पावर्ड है और किस कंडीशन पे दिया जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो सेक्शंस होते हैं ये कौन कौन से ऑफेंसेस पे लागू है। तो ये सबसेक्शन 2 में दिया गया है, जो भी ऑफेंस है वो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है या फिर कोर्ट ऑफ स्पेशल जज अपॉइंटेड अंडर द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1952 के अंदर। कोई भी स्पेशल जज अपॉइंट किया हमने किसी भी स्पेशल केस के लिए, क्रिमिनल केस है उसके लिए स्पेशल जज अपॉइंट किया, तो वो भी केसेस में दे सकते हैं। या फिर कोई भी ऐसा ऑफेंस है जिसकी जो पनिशमेंट है वो या तो 7 साल तक है, विच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, ठीक है, 7 साल तक है, और विथ मोर सीवियर ऑफेंस, या फिर उसको ज्यादा पनिशमेंट भी मिल रही है, सपोज 10 ईयर, 12 ईयर और 14 ईयर, मतलब ये एक तरीके से देखा जाए तो जो कि कोई भी ऑफेंस है उसकी पनिशमेंट या तो 6 महीने हो, साल भर हो, 3 साल हो, 4 साल हो, 14 साल हो, तो ये हर एक मतलब हर ऑफेंस में आप टेंडर ऑफ पार्डन दे सकते हो, बेसिकली इसका मीनिंग यही है। फिर आता है कि जब भी मैजिस्ट्रेट है वो टेंडर ऑफ पार्डन देते हैं, तो ऐसे नहीं कि भाई हमने बोला हम टेंडर ऑफ पार्डन दे रहे हैं, उन्होंने बोला हाँ चलो ठीक है, ऐसे नहीं होता है। उनको प्रॉपर रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि भाई आप उनको टेंडर ऑफ पार्डन क्यों दे रहे हो, और अगर आप उनको टेंडर ऑफ पार्डन का ऑप्शन दे भी रहे हो तो क्या उन्होंने एक्सेप्ट किया है। ऐसे नहीं आप जबरदस्ती उसको ना टेंडर ऑफ पार्डन बुलवा के उसे हर चीजें बुलवा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने ऑप्शन दिया है तो उस सामने वाला जो अकम्प्लायंस है उसने एक्सेप्ट भी करना होता है कि भाई हाँ मैं वॉलंटरली इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। सो द मैजिस्ट्रेट हैव टू राइट ऑल दिस इन हिज रिकॉर्ड। एक तो रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा उनको, और एक ये भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि हमने उनको ऑप्शन दिया था, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर आप इसमें फर्दर कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। और जब भी अक्यूज इसकी एप्लीकेशन लगाते हैं कि भाई हमको इसकी कॉपी दो, आपने जो भी रीजन वगैरह रिकॉर्ड किया है, तो उनको वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाती है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है, जिस भी पर्सन को, जिस भी अकम्प्लायंस को आपने टेंडर ऑफ पार्डन दे दिया है, तो ही इज नो मोर एन अक्यूज देन। अब वो अक्यूज नहीं रहता है इस स्टेज से, अब वो क्या हो जाता है, एज अ विटनेस आप उसका एग्जामिनेशन करोगे, चाहे वो मजिस्ट्रेट का स्टेज हो, चाहे वो आप उसको हायर कोर्ट में ले जा रहे हो, अपील में कहीं पे भी, अब वो क्या है, वो विटनेस है, ही इज नो मोर देन अक्यूज देन। तो इसका सबसेक्शन 4 कहता है, एवरी पर्सन एक्सेप्टिंग अ टेंडर ऑफ पार्डन मेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी एग्जामिन्ड एज अ विटनेस, ठीक है। अब वो यहाँ पे ऑफेंडर नहीं होता है, अब उसके आप उसके ऊपर जो भी आप सीआरपीसी के प्रोविजंस लगाओगे वो अक्यूज्ड वाले नहीं आएंगे, अब वो आएंगे विटनेस वाले, अब वो यहाँ पे गवाह है, ठीक है। शैल बी एग्जामिन्ड एज अ विटनेस इन द कोर्ट ऑफ द मजिस्ट्रेट टेकिंग द कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस एंड इन द सब्सिक्वेंट ट्रायल इफ एनी। तो जो भी मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया है वहीं से उसी स्टेज से उसको एज अ विटनेस मान लिया जाएगा, उसका एग्जामिनेशन भी वैसे ही हो रहा है, और कोई भी जो सब्सिक्वेंट ट्रायल चल रही है, एग्जामिनेशन है, क्रॉस एग्जामिनेशन है, चीफ है, री है, री एग्जामिनेशन, मतलब किसी भी स्टेज पे अब उसको आप क्या मानोगे, विटनेस ही मानोगे। शैल Unless is already on bail be detained in custody until the termination of the trial. अब जब तक ट्रायल पूरा नहीं हो जाता तब तक उसको कस्टडी में रखना पड़ता है। अब अक्यूज्ड को अगर यहाँ पे पहले से ही अगर वो बेल पे है तब तो ठीक है, अदरवाइज क्या होता है, चाहे उनको टेंडर ऑफ पार्डन क्यों ना दे दिया जाए, उनको रहना तो जुडिशियल कस्टडी में ही पड़ेगा। वो ऐसे नहीं सोचे कि भाई हमने टेंडर ऑफ पार्डन ले लिया, हमको हमें पनिशमेंट नहीं मिलेगी तो हम तो बाहर आ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। जब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक उस पर्सन को, चाहे वो एज अ विटनेस ही वहां पे क्यों नहीं रह रहा हो, उसको रहना तो जुडिशियल कस्टडी में ही पड़ेगा। वो इसीलिए होता है कि वो उसको यहाँ पे पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं कि भाई जब तक ट्रायल पूरा नहीं हो रहा आप अंदर हो, दैट इज नॉट अ पनिशमेंट हियर, दैट इज सिंपली ही इज दे आर प्रिवेंटिंग दैम फ्रॉम बींग एक्सपोज टू हार्म
फ्रॉम द अक्यूज और अकम्प्लाइंसेज कि भाई बाकी के जो अक्यूज अकम्प्लाइंस है वो सोचेंगे कि ये तो सब कुछ जाके बता रहा है उनको, और उनको जब वो बेल पे बाहर आ जाएगा तो उससे कैसे भी वो मतलब लड़ाई करके मारा पीटी करके उसको वापस से वो मतलब अपने खिलाफ ऐसा करेंगे कि वो उनके खिलाफ ना बोले। तो सिर्फ इस चीज के लिए बचाने के लिए कि भाई एविडेंसेस टेम्पर ना हो या फिर इसको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको बचाने के लिए उसको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है जब तक कि ट्रायल पूरा नहीं हो जाता। लेकिन वहां पे वो एज अ अक्यूज नहीं रहता है, वो वहां पे एज अ विटनेस रहता है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम आते हैं सेक्शन नंबर सब सेक्शन 4 पे। एवरी पर्सन एक्सेप्टिंग अ टेंडर ऑफ पार्डन अंडर दिस सब सेक्शन शैल बी एग्जामिन्ड एज अ विटनेस। अच्छा, ये हमने कर लिया था। तो इसके सब सेक्शन 5 पे आते हैं कि जिस भी पर्सन को हमने टेंडर ऑफ पार्डन दिया था उसने एक्सेप्ट कर लिया था अंडर सब सेक्शन 1 और उसका एग्जामिनेशन हो चुका है अंडर सब सेक्शन 4। तो अब बाद में जिस भी मजिस्ट्रेट ने टेंडर ऑफ पार्डन दिया है वो आगे फर्दर उसमें नहीं कर सकते इंक्वायरी, उनको अपने सुपीरियर कोर्ट को वो केस कमिट करना पड़ता है। ठीक है, अगर जैसे एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है तो वो उनको कमिट करना पड़ेगा, या फिर जो भी मजिस्ट्रेट जैसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले रहे हैं तब उनको कोर्ट ऑफ सेशन को वो आगे केस कमिट कर देना होगा, या फिर कोई भी केस जो स्पेशली किसी स्पेशल जज से ट्राइबल है जो भी हमने अपॉइंट किया था अभी ऊपर, तो वो अगर उससे एक्सक्लूसिवली ट्राइबल है तो वो केस हमको वहां पे कमिट करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट ये है कि जिस भी कोर्ट ने टेंडर ऑफ पार्डन दिया वो आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकते, उनको आगे वो कमिट ही करना पड़ता है। और इसके अलावा बाकी के जो भी केसेस होते हैं वो केस किसके पास जाते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास होते हैं, वो ही उसका ट्रायल करते हैं, ट्रायल लेते हैं। तो ये हमारा 306 कवर होता है। इसको एक बार शॉर्ट में हम वापस से देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो ये क्यों दिया जाता है, इसीलिए दिया जाता है कि हमको एविडेंसेस कलेक्ट करने होते हैं उस पर्सन से जो कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली उस ऑफेंस में इन्वॉल्व होता है। कौन से मजिस्ट्रेट दे सकते हैं यहाँ पे इस केस में, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, वो तब दे सकते हैं इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के टाइम पे, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ट्रायल के टाइम पे। हाँ, और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो कब दे सकते हैं, वो दे सकते हैं इंक्वायरी और ट्रायल के टाइम पे। और किस कंडीशन पे देंगे हम, उसी कंडीशन पे दे दो कि आप फुल और ट्रू डिस्क्लोजर कर दो कि हमको पूरे सर्कमस्टेंसेज का और जो भी पर्सन इन्वॉल्व है उसके बारे में हमको बता दो। कौन से केसेस में दिया जाता है, एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन या फिर कोई भी ट्राइबल बाय स्पेशल जज अपॉइंटेड अंडर क्रिमिनल एक्ट जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें, या फिर कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट 7 साल तक हो सकती है या फिर मोर सीवियर पनिशमेंट हम उसको दे सकते हैं। 3 केसेस है जिसमें जो टेंडर ऑफ पार्डन दिया जा सकता है, इनके अलावा किसी भी और केसेस में नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा क्या है कि जब भी वो देते हैं टेंडर ऑफ पार्डन मजिस्ट्रेट, तो उनको रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे और ये भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि हमने उसको ऑप्शन दिया था, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। इसके बाद में जो अक्यूज्ड उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन दी जाएगी, सॉरी फ्री ऑफ कॉस्ट उसको इसकी कॉपी दी जाएगी रीजंस जो भी रिकॉर्ड हुए ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द अक्यूज्ड। इसके बाद में जिस भी पर्सन को हमने टेंडर ऑफ पार्डन दिया है वो अब अक्यूज्ड नहीं रहता, वो अब एज अ विटनेस हम उसको लेंगे और जो भी एग्जामिनेशन हो रहा है उसका एज अ विटनेस हो रहा, चाहे जिस कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है चाहे वो कोर्ट हो या फिर सब्सिक्वेंट ट्रायल के अंदर। और अगर वो बेल पे है तो ठीक है, वरना उसको जेसी के अंदर ही रहना पड़ेगा जब तक ये ट्रायल कंप्लीट नहीं हो जाता। इसके बाद में ये था इस सेक्शन के अंदर कि जिस भी कोर्ट ने टेंडर ऑफ पार्डन दिया है अब वो फर्दर इंक्वायरी नहीं करेंगे, उनको ऊपर वाली कोर्ट में केस कमिट करना पड़ेगा। अगर जैसे कोर्ट ऑफ सेशन से एक्सक्लूसिवली ट्राइबल है तो उनको देना पड़ेगा, या फिर स्पेशल जज की कोर्ट है तो उनको देना पड़ेगा, या फिर जैसे किसी और मजिस्ट्रेट ने ट्राई किया है तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को देना पड़ेगा। ठीक है, ये 306 कंप्लीट हो गया है। 307 क्या कहता है, पावर टू डायरेक्ट टेंडर ऑफ पार्डन। तो अब यहां पे बोल रहा है कि जिस भी कोर्ट को केस कमिट हुआ है तो कमिटमेंट के बाद में और जजमेंट आने के पहले वो कोर्ट उसको टेंडर ऑफ पार्डन दे सकते हैं। और बाकी की जो सेम कंडीशन हमने 306 में पढ़ी थी वो ही एप्लीकेबल होंगी, क्या क्या मतलब उसको एज अ विटनेस लेंगे वो। फिर 308 कहता है ट्रायल ऑफ पर्सन नॉट कम्प्लाइंग विद द कंडीशंस ऑफ पार्डन। अब वो कंडीशन से कम्प्लाई नहीं कर रहे हैं तो क्या कैसे ट्रायल चलेगा, कि वेयर इन रिगार्ड टू अ पर्सन हु हैज एक्सेप्टेड अ टेंडर ऑफ पार्डन मेड अंडर सेक्शन 306 एंड 307 द पब्लिक प्रोसिक्यूटर
अब हमने किसी पर्सन को यहाँ पे टेंडर ऑफ पार्डन दे दिया है, तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि भाई आपने जिन कंडीशंस के ऊपर इनको टेंडर ऑफ पार्डन दिया है वो उन्होंने मतलब जो मटेरियल फैक्ट थे या फिर जो भी एसेंशियल चीजें थी उनको उन्होंने जानबूझ के छुपाया था जिससे कि आप इनको टेंडर ऑफ पार्डन दे दो, और इन्होंने झूठे एविडेंसेस भी दिए हैं, ठीक है। और जो भी आपने कंडीशंस लगाई है ना उनसे तो कंप्लायंस कर ही नहीं रहे, एक तो उन्होंने विलफुली कंसील की है चीजें, दूसरा है कि फॉल्स एविडेंसेस इन्होंने दिए थे, और तीसरा जो कंडीशंस आपने लगाई है उनसे तो कंप्लायंस ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, वो जो टेंडर ऑफ पार्डन है वो वापिस ले लिया जाता है। तो सच पर्सन मे बी ट्राइड फॉर द ऑफेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ विच पार्डन वॉज टेंडर, तो जिस ऑफेंस के लिए हमने इनको टेंडर ऑफ पार्डन दिया था, तो अब उसके वहां पे उसकी जो भी रेगुलर ट्रायल होती है वो चलेगी। अब यहाँ पे एज अ अक्यूज आ जाएगा, वो जो विटनेस था वो नहीं रहता, फिर वो एज अ अक्यूज हम उसकी ट्रायल लेंगे उस ऑफेंस के अंदर। और एनी अदर ऑफेंस विच ही अपियर्स टू हैव बीन गिल्टी इन कनेक्शन विद द सेम मैटर, या फिर उसी सेम मैटर में कोई भी और ऑफेंस आ रहा है तो उसमें भी हम उसकी ट्रायल लेंगे, और जो भी उसने फॉल्स एविडेंस दिया था उसमें भी हम उसको सजा देंगे अब, ठीक है। यहाँ पे क्या बता रहा है कि जैसे वो इतने सारे लोग थे उनमें से हमने एक को टेंडर ऑफ पार्डन दे दिया, अब बाद में पता चल रहा है उसने टेंडर ऑफ पार्डन झूठे तरीके से लिया था, झूठ बोल के लिया था, या फिर जो कंडीशंस उसने नहीं किए, तो अब जब हम उसे वापस लेते हैं टेंडर ऑफ पार्डन उसका कैंसिल करते हैं, तो अब जो उसका ट्रायल है वो बाकी के अक्यूज के साथ नहीं चलेगा, वो अलग से चलेगा। ये बात इसके प्रोविजन में दे रखी है, इसका प्रोवाइडेड फर्दर कहता है कि सच पर्सन शैल नॉट बी ट्राइड फॉर द ऑफेंस ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस एक्सेप्ट विद द सेंशन ऑफ द हाई कोर्ट, कि अगर उसने फॉल्स एविडेंस दिया है और आपको उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है तो पहले हाई कोर्ट से सेंशन लेना पड़ेगा। हाई कोर्ट से सेंशन लिए बिना आप फॉल्स एविडेंस के केसेस में ट्रायल नहीं ले सकते हो। एंड नथिंग कंटेंट इन सेक्शन 195 एंड 340 शैल अप्लाई टू द ऑफेंस। 195 हमने पढ़ाई था कि वो जो भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनके खिलाफ जो ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है। और जो 340 है, 340 में सेक्शन नंबर 195 की प्रोसीजर बता रखे हैं, तो वो यहाँ पे वो लागू नहीं होता है। फिर इसके बाद में कहता है कि एनी स्टेटमेंट मेड बाय सच पर्सन एक्सेप्टिंग अ टेंडर ऑफ पार्डन एंड रिकॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 164 और बाय कोर्ट अंडर सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 306 मे बी गिवन इन एविडेंस अगेंस्ट हिम एट सच ट्रायल, कि जब हम उसका टेंडर ऑफ पार्डन कैंसिल कर रहे हैं तो उन्होंने जो भी उस टाइम पे एग्जामिनेशन करते टाइम पे जो कि हमने सबसेक्शन 4 में किया था एज अ विटनेस, तो जो भी हमने एग्जामिनेशन किया था अब वो हम उसके खिलाफ काम में ले सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता है उसके अंदर, ठीक है। इसके बाद में आता है कि एट सच ट्रायल द अक्यूज शैल बी एंटाइटल टू प्लीड दैट ही हैज कम्प्लाइड विद द कंडीशन अपॉन विच सच टेंडर वॉज मेड। अब ऐसे नहीं कि भाई पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने हमको आके बोला कि ये ना कंडीशंस कम्प्लाई नहीं कर रहा है तो हमने उसमें टेंडर ऑफ पार्डन कैंसिल कर दिया, ये तो कोई बात नहीं हुई। क्या पता पब्लिक प्रोसिक्यूटर झूठ बोल रहा हो जिससे उसका टेंडर ऑफ पार्डन कैंसिल हो जाए, तो हम हियरिंग अपॉर्चुनिटी देंगे किसको, अक्यूज्ड को, जिसको हमने टेंडर ऑफ पार्डन दिया था, कि भाई आपके पास टाइम है आप हमको बता दो कि आप कंडीशंस फुलफिल कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। ये कहता है इसका सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 4 कहता है कि हम उसको ये चीज कब बोलेंगे कि भाई आप हमको बताओ कि आप प्लीड कर सकते हो नहीं कर सकते, वो कब बता सकते हैं, अगर वो कोर्ट ऑफ सेशन है जहां पे ये चल रहा है केस, तो जो भी हमने चार्जेस बनाए थे उसके चार्जेस बनाने के पहले और जो मतलब हमने रीड आउट किया है एक्सप्लेन किया उसके पहले ही वो आके बता दे कि भाई मैंने कंडीशंस की थी, या फिर कोई भी कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट है तो जो प्रोसिक्यूशन विटनेस होते हैं उनका एविडेंस लेने के पहले पहले वो अक्यूज से पूछेंगे वेदर यू प्लीड गिल्टी और वेदर लाइक यू हैव कम्प्लाइड विद द कंडीशन और नॉट, तो वो कब पूछेंगे उसको कोर्ट ऑफ सेशन में, तो चार्जेस फ्रेम या फिर चार्जेस रीड आउट करने के पहले और कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट में प्रोसिक्यूशन विटनेस के एविडेंस होने के पहले। अब इसका सबसेक्शन 5 कहता है कि अगर उसने प्रूफ कर दिया कि वो कंडीशन से कम्प्लाई कर रहा है तो वो जो जजमेंट पास कर देंगे उसको एक्विटल का, यहाँ पे उसको वो एक्विट कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सेक्शन नंबर 306 है दैट इज अ एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन नंबर 316 ऑफ द सेम कोड, उसमें कहता है नो इन्फ्लुएंस टू बी नो इन्फ्लुएंस
टू बी यूज टू इंड्यूस द डिस्क्लोजर, कि आप किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हो, ना उसको डरा सकते हो, ना धमका सकते हो, ना कोई प्रॉमिस कर सकते हो कि भाई आप हमको सच बता दो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो अगर उससे कोई एविडेंस आपको लेना है तो। लेकिन जो सेक्शन नंबर 306 है वो उसका एक्सेप्शन है, यहाँ पे उसको दिया लालच दिया जाता है कि भाई हम आपको क्षमादान दे देंगे, आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन आप हमको सच सच बता दो क्या चीज है क्या नहीं है। बेसिकली जनरली हम ये चीज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये एक एक्सेप्शन दे रखा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर। तो यहाँ पे हमारे टॉपिक कंप्लीट होता है टेंडर ऑफ पार्डन। इसके बाद में हम बाकी के टॉपिक्स कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रिवाइजिंग द सेक्शंस, द टॉपिक्स आई हैव एक्सप्लेन्ड, एंड इफ यू हैव एनी डाउट एज यूजुअल यू कैन आस्क मी। ऑलराइट देन, बाय।